जय हिंद। बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो हाजिर हूं बांदा की कुछ अहम खबरों के साथ। बुंदेलखंड के बांदा की पुलिस के द्वारा आज एक ऐसे हत्याकांड का खुलासा किया गया जिसकी खुलने की कोई भी उम्मीद नहीं थी, लेकिन पुलिस के अथक प्रयासों के बाद आज उस हत्याकांड का सकुशल अनावरण करते हुए हत्याकांड में लिप्त सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने का काम किया गया। वहीं पूरे मामले की जानकारी देते हुए अपर पुलिस अध्यक्ष महेंद्र प्रताप चौहान ने बताया कि आज जिस घटना का खुलासा किया गया, ये मामला 2019 में फरवरी महीने का है, जहां पर एक ड्राइवर के द्वारा सवारी को बैठाकर महोबा लाने का काम किया गया था और उसके बाद जब वह प्रयागराज वापस आ रहा था तभी अचानक बीच रस्ते में रहस्यमय तरीके से वह गायब हो गया था, जिसके बाद ड्राइवर के गायब हो जाने की रिपोर्ट प्रयागराज में दर्ज कराई गई थी। उसके बाद से ही पुलिस के द्वारा लगातार छानबीन जारी थी, लेकिन उसका कुछ भी पता नहीं चला। कुछ दिनों बाद फतेहपुर जनपद के लालौली थाने अंतर्गत एक शव बरामद हुआ, जिसका पोस्टमार्टम कराते हुए पुलिस के द्वारा उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया था। लगभग 8 महीने तक प्रयागराज में विवेचना चलने के बाद उस मामले को बांदा के बबेरू थाने में ट्रांसफर कर दिया गया था, जिसके बाद से बबेरू पुलिस के द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच पड़ताल शुरू कर दी गई थी, जिसका आज सकुशल अनावरण कर लिया गया, जिसमें अहम भूमिका निभाने वाले बबेरू थाना अध्यक्ष को पुलिस अध्यक्ष के द्वारा पुरस्कृत करने की भी बात की गई। बांदा से संवाददाता राजीव द्विवेदी की रिपोर्ट। खुलासा हुआ है, क्या था पूरा मामला? ये वर्ष 2019 में एक कार चालक अपनी सवारी लेकर के महोबा आया हुआ था और वहाँ से छोड़ करके वापस प्रयागराज जा रहा था और रास्ते में उसकी वो गायब हो गई। इस संबंध में थाना सुराव जनपद प्रयागराज में इसका अभियोग पंजीकृत था। बाद में वहाँ से इसकी विवेचना बबेरू कोतवाली में ट्रांसफर हुई। दरअसल ये जो चालक है वो इलाहाबाद के बहरिया का रहने वाला, जो इसका नाम है योगेंद्र, ये महोबा से जब वो चला वहाँ से तो शायद रास्ता बहुत अच्छी तरह नहीं जानता था। वो किसी ने बताया उसको बांदा शहर से आप होकर के बबेरू होते हुए आप वापस प्रयागराज जा सकते हो। तो ये जब यहाँ पर केवटरा चौराहे के पास पहुँचा तो वहाँ पर उसको दो आदमी मिले, उनके नाम हैं विपिन तिवारी और संजय दुबे। उन्होंने कहा कि मैं रास्ता जानता हूँ, तुमको मैं बबेरू तक पहुँचा दूँगा, फिर बबेरू से तुम्हें रास्ता दिखा दूँगा। इन लोगों ने वहाँ पर शराब पिया और शराब पीने के बाद जो है उसको भी पिलाया और अपने भी पिया।